हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफिकल थॉट के लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। जो अपना टॉपिक है उसके अंदर हमने पहले विद्वान का कंट्रीब्यूशन क्या रहा, बर्नहार्ड वरेनियस, इसके बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वोन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट का ज्योग्राफी के अंदर किस प्रकार का योगदान रहा। तो जो वोन हम्बोल्ट है उनका पूरा नाम था अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। 1769 के अंदर इनका जर्मनी में जन्म हुआ, 1859 में इनकी डेथ हुई। और इन्होंने जियोलॉजी, बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, इन सब विषयों के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया। इन्होंने क्या किया, अपने जीवन काल में जो अपनी पूरी एनर्जी थी उसको यात्रा करने में, रिसर्च करने में, और पूरा जो सिस्टम है यूनिवर्स का उसको समझने के अंदर अपनी पूरी की पूरी एनर्जी खपा दी, अपना पूरा जीवन उसमें लगा दिया। इस तरह के विद्वान थे हम्बोल्ट। हम्बोल्ट ने अपने जीवन में लगभग 4000 मील, 6,667 किलोमीटर की यात्राएं की, जिसके अंदर उन्होंने दुनिया के बहुत से हिस्सों को कवर किया, जैसे साउथ अमेरिका, यूरोप, रशिया, और कुछ ऐसे स्थानों पर भी गए, अलग अलग जगहों पर। और वो जहाँ भी जाते थे तो अपने ज्योग्राफिकल इंस्ट्रूमेंट जो उनके थे उनको साथ लेकर जाते थे, जैसे बैरोमीटर, टेलीस्कोप, साइनोमीटर। साइनोमीटर आसमान की जो ब्लूनेस है कितनी है, वो कितना गहरा लाल है, फीका लाल, फीका नीला है या गहरा नीला है, इस चीज को जानने के लिए मेन इंस्ट्रूमेंट था। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट लेकर वो साथ जाते थे, और इन इंस्ट्रूमेंट की सहायता से वो क्या करते थे, मेजरमेंट्स करते थे अपनी, जैसे टेम्परेचर नापना, एयर का, ग्राउंड का, विंड्स को, उनकी डायरेक्शन को, फिर लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की कैलकुलेशन, एलिवेशन कितना है उस स्पेसिफिक पॉइंट पे, नेचर ऑफ रॉक्स क्या है, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन क्या क्या है, तो इन सब चीजों के बारे में वो उन इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से मेजरमेंट्स करते थे। परमाफ्रोस्ट नाम की इन्होंने क्या दी, एक टर्म दी, जिसके अंदर परमाफ्रोस्ट का जो मेनली जो इन्होंने वर्णन किया वो किसके लिए था, परमानेंटली फ्रोजन सॉलिड विच वॉज फाउंड इन साइबेरिया। साइबेरिया रशिया के अंदर बिल्कुल ऊपर का हिस्सा है, उसके लिए इन्होंने परमानेंटली फ्रोजन सॉलिड जो पार्ट था उसको इन्होंने परमाफ्रोस्ट का नाम दिया। इन्होंने कॉस्मोग्राफी वर्ड दिया, जिसका मेनली जो था वो इसके अंदर इन्होंने जो मेन एम था इसको देने का उसमें क्या था, अंडरस्टैंडिंग द जनरल एंड द होल पिक्चर ऑफ यूनिवर्स। कॉस्मोग्राफी को इन्होंने दो भागों में बांटा, फिर यूरेनोग्राफी और जियोग्राफी। यूरेनोग्राफी के अंदर मेनली जो वर्णन है वो है सेलेस्टल बॉडीज जो यूनिवर्स की हैं उनके बारे में, और जियोग्राफी जो है वो डील करता है टेरिस्ट्रियल पार्ट ऑफ द अर्थ इसके बारे में। इनको पाइनियर ऑफ फिजिकल जियोग्राफी भी हम्बोल्ट को कहा जा सकता है। ये सब पॉइंट्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं पीछे भी किए, ये सब हम्बोल्ट के बारे में। मान लो क्वेश्चन आता है कि राइट अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट इन फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, तो उसके अंदर हम किन किन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उसी प्रकार से मैंने पॉइंट्स के अंदर ही इस स्लाइड्स को तैयार किया है, ताकि क्वेश्चन प्रिपेयर करने में, इसको नोट्स के फॉर्म में लिखने में, नोट्स तैयार करने में भी आसानी होगी और आंसर अटेम्प्ट करने में भी आसानी होगी। तो इसके बाद में बात आती है कि इनका मानना था कि जो ज्योग्राफी है वो सिर्फ फिजिकल फीचर्स जो अर्थ के ना उनके बारे में ही अध्ययन नहीं करता, इसके साथ साथ ये एक इंटर रिलेशनशिप है किस किस के बीच में, डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ अर्थ, जिसके अंदर बायोस्फीयर आ गया, एटमोसफेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और खुद ह्यूमन बींग, इन सब के बीच का ये क्या है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इंटर रिलेशनशिप है
इन सब कंपोनेंट्स का। इन्होंने फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी की जो डिचोटॉमी है उसके अंदर इन्होंने बिलीव नहीं किया। इन्होंने यूनिटी ऑफ ह्यूमन रेसिस के बारे को काफ़ी हद तक सपोर्ट किया था, और इनका मानना था कि जो सब स्पीशीज हैं सब ह्यूमन रेसिस हैं। ह्यूमन रेसिस का जो ओरिजिन है वो क्या है, कॉमन ओरिजिन है, तो इसलिए कोई भी जो रेस है वो सुप्रियर नहीं है ना कोई इन्फ्रियर है, ऐसा इनका मानना था। भी कोई निग्रोइड है, काकेशियार्ड है, किसी भी ह्यूमन रेस का मानव प्रजाति से संबंधित है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गोरा है तो वो सुप्रियर हो गया, कोई काला है, लंबे सिर का है, छोटे सिर का है, छोटी आंखें, उन सब आधारों के ऊपर कोई भेदभाव नहीं। केवल सब जो ह्यूमन रेसिस है वो कॉमन ओरिजिन की है। उसके बाद में हम्बोल्ट की जो ज्योग्राफी है वो कांटियन कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी से मेल खाती है, जिसके अंदर ज्योग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी को एक साथ रखा गया, लेकिन इसके कुछ बहुत ज़्यादा सबूत उनके राइटिंग्स के अंदर हमें मिलते भी नहीं हैं। हम्बोल्ट गॉड की एक्जिस्टेंस के बारे में बहुत ज़्यादा श्योर नहीं थे कि गॉड है या नहीं है, तो इसलिए उन्होंने अपने किसी भी राइटिंग्स के अंदर गॉड के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। गॉड वर्ड तक का इवन यूज उन्होंने नहीं किया है। ये मैप उन्होंने अपना एक तैयार किया, अमेरिका का इसमें मेनली वर्णन है, और हम्बोल्ट जो थे वो ये जो पनामा नहर जो इन दोनों के बीच में है उसके बारे में सबसे पहले इन्होंने सिफारिश की थी कि पनामा नहर बनाई जानी चाहिए, यानी इनको बीच में से काट कर दोनों को और क्या किया जाए, पनामा बनाई जाए। उसके बाद में और क्या क्या योगदान थे, इन्होंने पेरू करंट जो है अपनी उसको इन्होंने डिस्कवर किया, और उसके ओनर के अंदर उस करंट को हम्बोल्ट करंट के नाम से भी जाना जाता है। पनामा कैनल बनाने के लिए इन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया कि पैसिफिक और अटलांटिक ओशन जो है इनको जोड़ा जा सके। फिर फॉरेस्ट टू रेन का जो संबंध है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में भी, जहाँ पर ज़्यादा वन होंगे उस क्षेत्र में बारिश ज़्यादा होगी, जैसे अमेजन के जंगलों में होता है, ये इक्वेटोरियल रीजन्स के अंदर है, तो ऐसा इनका मानना था। इन्होंने सबसे पहले इस बात को सिद्ध किया, और आज भी ये तथ्य बिल्कुल हम सबके सामने हैं कि जहाँ पेड़ ज्यादा होते हैं उस क्षेत्र में स्वाभाविक ही वर्षा ज्यादा होती है। नवंबर 1800 में इन्होंने ये क्यूबा गए, और वहाँ पर इन्होंने क्यूबा की जो सोसाइटी है वहाँ की इकोनॉमी है उसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया। ये इक्वाडोर के अंदर बहुत सारे वोल्केनोज को भी देखने गए, और उनके अंदर तक चले जाते थे कि उनके अंदर से कौन सी गैस रिलीज हो रही है, उसके कुछ अंश लेने के लिए, ताकि उसके ऊपर रिसर्च की जा सके कि इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर कौन कौन सी गैसेस और मटेरियल पाया जाता है। एक बार तो ऐसा कहते हैं कि हम्बोल्ट मरते मरते बचे थे कि वो जहाँ से ये ऐसे कलेक्ट करने गए मटेरियल वो वोल्केनो इरप्शन हो गया था, तो ये बड़ी मुश्किल से इनकी जान बची थी। फिर जो फीलिंग ऑफ डिजीनेस है उसको इन्होंने सबसे पहले एग्जामिन किया, एक्सप्लेन भी किया कि जब हम हाईली एरियाज के अंदर जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स में जाते हैं, तो लो एयर प्रेशर की वजह से जो बेचैनी होती है, लोगों को दिक्कतें होती है, ये बीमारी जो सबसे पहले इन्होंने इजाद की कि ये जो कारण है इसके पीछे का रीजन है लो एयर प्रेशर। कॉन्टिनेंटलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो हम्बोल्ट ने दिया। ये सब हम्बोल्ट के भूगोल के अंदर योगदान है। और क्या क्या है, यूनिटी ऑफ नेचर के बारे में इन्होंने बात की, जिसके अंदर इन्होंने क्या माना कि ये क्या है, इंटर रिलेशन है सब फिजिकल साइंसेस का, जैसे बायोलॉजी, मेट्रोलॉजी, जियोलॉजी, इन सब का एक तरह से इंटर रिलेशन है। इन्होंने नेचर को होलिस्टिकली देखा, जिसके अंदर इन्होंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया किसी भी रिलीजन डोलगा में पढ़ने
बिना पढ़े किसी इसको इन्होंने धर्म से और मजहब से दूर रखते हुए अपना नेचर को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। 1845 में कोसमोस नाम का एक ग्रंथ इन्होंने लिखा, जिसके अलग अलग 4 वॉल्यूम्स हैं। इनके कुछ उद्देश्य भी थे, जैसे हम कह सकते हैं कि अर्थ को या पूरा जो यूनिवर्स है उसको एक विस्तार पूर्वक इसका वर्णन करना, शुद्ध रूप से लोगों तक जानकारी पहुंचाना, इस प्रकार के कुछ इनके उद्देश्य भी थे। तो कॉस्मोस को इन्होंने अलग अलग 4 वॉल्यूम्स में बांटा। फर्स्ट जो वॉल्यूम था वो होल पिक्चर ऑफ द यूनिवर्स, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सेकेंड वॉल्यूम के अंदर पोर्ट्रेल ऑफ नेचर है, जिसके अंदर भी अलग अलग जो इसके रिसर्चर्स हुए हैं, शोधकर्ता हुए हैं, इजिप्टियंस तक आते आते जो अलग अलग प्रकार की रिसर्च जो हुई, नॉलेज जो इकट्ठा किया गया, उसके बारे में इनका इसमें इन्होंने वर्णन किया। तीसरा जो वॉल्यूम था उसमें इन्होंने सेलेस्टियल स्पेस और एस्ट्रोनॉमी के लॉज, इनके बारे में, यानी एस्ट्रोनॉमी हम जिसको कहते हैं, सेलेस्टियल जो स्पेस है उसके बारे में वर्णन किया। चौथी वॉल्यूम में इन्होंने अर्थ के बारे में बताया, जिसमें मैन को इन्होंने अर्थ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना है। इन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया, मैन एवरीवेयर बिकम मोस्ट असेंशियली एसोसिएटेड विद टेरिस्ट्रियल लाइफ, ये भी इनका क्या दिया हुआ एक कॉन्सेप्ट है। तो आज के इस लेक्चर में हमने अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के बारे में बात की, कि हम्बोल्ट ने किस प्रकार से भूगोल के अंदर अपना योगदान दिया और उनका शुरू से जीवन जो था वो किस तरह थे। वो एक तरह के आम चेयर जियोग्राफर नहीं थे, कुर्सी पर बैठकर भूगोल के बारे में उन्होंने नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने सब स्थानों पर घूमते घूमते अपना यात्राओं के माध्यम से एक्सप्लोर किया चीजों को। 6,667 किलोमीटर की उन्होंने अपने जीवन में यात्राएं की, तो इस प्रकार का उनका एक लंबा जीवन काल रहा और उन्होंने भूगोल के साथ साथ अन्य कई विषयों के अंदर भी अपना योगदान दिया। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम दो भूगोलवेत्ता और हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कार्ल रिटर और इमैनुअल कांट। इन भूगोलवेत्ताओं के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनका भूगोल में किस प्रकार का योगदान रहा। तो आज के लेक्चर में बस यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मिलना होगा। तब तक आप अपने दोस्तों को भी लेक्चर ज्वाइन करने के लिए, सीरीज ज्वाइन करने के लिए कहिए, और इन सब पीपीटीज के लिए, ये जो स्लाइड्स हैं इनके नोट्स के लिए, आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है UG@EASE, इसी नाम से है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।